हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारी इनकम टैक्स की 12th रिवीजन क्लास मैं यहाँ पर अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ। टोटल मैं 11 क्लास अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर इनकम टैक्स में हमने काफ़ी सारे चैप्टर अभी तक रिवाइज कर लिए। तो आज की रिवीजन क्लास में कैपिटल गेन, अदर सोर्स के जितने हमारे बैलेंस टॉपिक थे ना, वो सारे के सारे सर आज हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स थे, तो डाउट्स पहले मैं डिस्कस करूंगा, देन जो हमारे बैलेंस टॉपिक होंगे ना, फिर आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें। पक्का पक्का? यस सर। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला बच्चे का डाउट ही आ रहा था कि सर, जो आपने सेक्शन नंबर 45(5)(a) करवाया था ना, तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, उसमें हमें दिक्कत आ रही है। तो प्लीज एक तो वो क्वेश्चन हमें समझा देना। दूसरा बच्चे का कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ये था कि सर, एक सेक्शन 50(c) आपने हमें बताया था। अब 50(c) के अंदर कहा था मैंने, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना आपको दो दिन की लेनी होती है, एक तो आपको लेनी डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की, एक लेनी है रजिस्ट्रेशन के दिन की। तो उस केस में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना तो वो किस तरह से हमें सोल्व करना पड़ेगा, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ना बच्चे का ये आ रहा था कि सर, जो आपने गिफ्ट की टैक्सेशन हमें कराई थी ना, उसमें आपने डिविडेंड वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया। तो सर आपको मैंने पहले भी कहा था कि कैपिटल गेन से आपका जो लिंक बनेगा ना, वो गिफ्ट का बनेगा, डिविडेंड की टैक्सेशन जो आपकी होगी वो सारी की सारी आज हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इट मींस अगर डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिलेगा, फॉरेन कंपनी से मिलेगा, तो उस केस में कैसे कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है, वो सारी की सारी बातें आज की क्लास में हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर जीएसटी की रिविजन क्लास मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, जीएसटी जो हमें रिवाइज करना है आज की क्लास के बाद, अगले आने वाली मेरी जितनी भी क्लासेज होंगी वो सारी के सारे जीएसटी के ऊपर बेस होंगी। अब बच्चे का ना डाउट, जब मैंने बोला कल मैंने अपने YouTube की कम्युनिटी फोल्डर पे डाला, तो बच्चे का ना एकदम बहुत सारे कमेंट ही आ गए, सर पीजीपी और बैलेंस चैप्टर कहाँ आपने वो तो कराए नहीं है। सर आपको मैंने लास्ट रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले इसके बाद मैं जीएसटी क्लास अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा रेगुलर बैच में भी जीएसटी चल रहा है, और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि न्यू सिलेबस में 40 से 50 नंबर का है, ओल्ड में 30 नंबर का है, हमारा एक नंबर भी जीएसटी में नहीं कटना चाहिए। मेरा इसलिए मोटिव है कि पहले अभी हम जीएसटी कर लेते हैं। तो जितने चैप्टर हमारे 12 क्लास में हो चुके हैं उसको पहले फटाफट से रिवाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जीएसटी स्टार्ट कराऊंगा, उसके जितनी अमेंडमेंट्स होंगी वो भी साथ साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको फटाफट से मैं थोड़ी सी रिविजन करा दूंगा। तो टोटल मैं कोशिश ये करूंगा कि 5 से 6 रिविजन क्लास के अंदर बढ़िया से आपका जीएसटी में पूरा का पूरा यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ, कि जो हमने रेगुलर बैच में काफी सारे लेक्चर्स में किया होगा वो 5 से 6 लेक्चर में आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, और आप उसके बाद कॉन्फिडेंट रहोगे जीएसटी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन जब मेरी जीएसटी की क्लास खत्म होगी, उसके बाद फिर जो हमारे इनकम टैक्स के बैलेंस जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे के सारे उसकी रिवीजन क्लास मैं डालूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है जी। तो पहले मैं जीएसटी कराऊंगा, देन जो हमारे बैलेंस चैप्टर होंगे फिर वो करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले पीजीपी करना है, तो जून के लिए मैंने रिवीजन क्लास अपलोड की थी पीजीपी की, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो वो बच्चे पहले वो देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं पहले जीएसटी देखेंगे फिर बैलेंस देखेंगे, जो बच्चे वेट नहीं करना चाहते तो पहले वो वाली रिवीजन क्लास पीजीपी के साइड बाय साइड देखते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब स्टार्ट कर दूं आज की क्लास। पक्का पक्का? चलो इधर देखो जी। अब लो जी, अब सबसे पहले यहां पर मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जो आपका सेक्शन नंबर सर 45(5)(a) है ना, जो हमने किया था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का, इसमें बच्चों को ना प्रोविजन में कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चा ये बात करे कि सर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सोल्व कैसे करना है, हमें इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। इधर देखो ध्यान से, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। मान लो यहां पर मिस्टर वीजी के पास ना सर एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अब मिस्टर वीजी के पास मान लो प्लॉट ऑफ लैंड है, और ये प्लॉट ऑफ लैंड उसने परचेस कब किया था, मान लो 6-7 के अंदर उसने 50 लाख रुपए का लैंड परचेस किया था। अब अगर मान लो मैंने 6-7 में 50 लाख रुपए का लैंड परचेस किया था, उसके ऊपर मैं घर बनाना चाहता हूँ बट पैसे ही नहीं है। अब अगर पैसे नहीं है तो मार्केट में एक बिल्डर है, उसे पता लगा वीजी के पास एक लैंड है और वीजी को उस पर घर बनाना है, पैसे उसके पास थे, वो मेरे पास आ गया, उसने बोला कि मिस्टर वीजी तुम्हारे पास एक लैंड है। मैंने कहा बिल्कुल है। उसने कहा ऐसा करता हूँ मैं इस पर ना फ्लैट बनाता हूँ 5। मैंने कहा उससे क्या होगा। उसने कहा 3 फ्लैट मैं तुम्हें दे दूंगा और 2 फ्लैट मैं खुद रखूंगा, बट हाँ 40% लैंड का पोर्शन मैं तुमसे ले लूंगा। इट मीन्स अगर तुम मुझे 40% लैंड का पोर्शन दोगे ना, तो मैं तुम्हें बदले में 3 फ्लैट बनाकर दूंगा और 3 फ्लैट का मैं तुमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा। अब सोच के बताना सर, बस मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ही आ रहा है कि जब मिस्टर वीजी ने ए लिमिटेड को जब ये लैंड का पोजेशन दिया होगा, तो पोजेशन तो मैंने आज दे दिया और घर बनकर तैयार होंगे 3 से 4 साल के बाद। अब जैसे ही मैंने पोजेशन दिया ना, जैसे ही पोजेशन दिया, सेक्शन 247 ने क्या बोला, ट्रांसफर है। 45(1) ने क्या बोला, जब ट्रांसफर है कैपिटल गेन भी है। मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक बात मैंने सर सोच के बताना, अगर मैंने लैंड का पोजेशन आज दिया बट कंप्लीशन मेरा 3-4 साल के बाद होगा, अगर कैपिटल गेन गवर्नमेंट मेरे ऊपर आज टैक्सेबल कर देगी, कितनी बड़ी हार्डशिप है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेक्शन 45(5)(a) इंसर्ट किया।
सेक्शन 45(5)A ये बात कहता है कि अगर आपने लैंड का पोजेशन आज दिया है तो ट्रांसफर तो आज है बट टैक्सेबल तब होगा जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहां पर आ जाएगा। अब ये कैपिटल गेन निकालना कैसे है वो चेक करते हैं। देखो यहां पर पहले मुझे इतना बताओ मिस्टर वीजी ने मतलब मैंने उस बिल्डर को क्या दिया। हाँ जी फटाफट से बोलो यार। एक तो पहली बात मेरी कान खोल के सुन लो, अभी जो बच्चे बेड पे बैठ के मेरी यूजर क्लास देख रहे हैं ना उन्हें बहुत माप लगेगा देखना, फिर काली माता आएगी और आपको पकड़ के लेके जाएगी। ध्यान रखना जिस बच्चे ने मेरा लेट कर रिवीजन क्लास देखी है ना उसे बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, कसम आपको गीता की, गीता का मतलब आपकी किताब की। बिल्कुल अलर्ट होकर क्लास देखा करो सर, तभी समझ में आएगा सर। मतलब मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए बिल्कुल सही होके बस एक मात मान लो बिल्कुल सही होके एकदम क्लास देखो तभी आपको समझ में आएगा और आपको बहुत पढ़ने के अंदर मजा आएगा। बैठ चुके हो पक्का पक्का? यस सर। लोरी इधर सुना ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर सोच के बताना, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर विजी ने क्या दिया सर? 40% लैंड दिया। इस क्वेश्चन में मिस्टर विजी ने दिया क्या? 40% लैंड दिया। बदले में क्या मिला है सर? बदले में 3 फ्लैट उसे मिले। इट मीन 40% लैंड दी बदले में 3 फ्लैट मिले, 40% लैंड दी बदले में 3 फ्लैट मिले, 40% लैंड दी बदले में 3 फ्लैट मिले। तो उस 40% लैंड का मेरा सेल प्राइस क्या बन गया सर? उस 3 फ्लैट की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी ना वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर मान लो बिल्डर ने ना आपको 3 फ्लैट तो दिए ही दिए, साथ में मान लो कुछ पैसा कैश में भी दिया तो क्या होगा? तो उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में जितना पैसा कैश में दिया होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो सेल प्राइस उन दोनों को ऐड करने के बाद बनेगा। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में वही लिखा है कि 60% लैंड पर यहाँ पर क्या हुआ है, 3 फ्लैट मेरे यहाँ पर बने हुए हैं और 2 फ्लैट मेरे यहाँ पर बने हैं, तो इन 3 फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन 3 फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए ये है, 10 लाख रुपए कैश में दिए तो 60 और 10 कितना हो गया? 70 लाख रुपए यहाँ पर मेरा सेल प्राइस आ गया। देखो यहाँ पर 70 लाख मेरा सेल प्राइस आ गया। उसके बाद यहाँ पर मेरी आई कोवा कितनी निकल कर आएगी? अब बच्चा ये बात कहता है सर आपने ना कोवा यहाँ पर 20 लाख लिया बट कोवा तो 50 लाख है। सोच के बताना कोवा मेरी 50 लाख रुपए पूरी लैंड की है या 40% की है? पूरी लैंड की है और मैंने दी कितनी है? 40%। उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 20 लाख। तो अगर पूरी लैंड की 50 लाख है तो 40 की कितनी बनेगी? 20 लाख बनेगी। तो 20 लाख को इंडेक्स कर दो। देखो 20 लाख को डिवाइड बाय 122 मैंने किस ईयर का लिया है? 122 हमारा 67 का है और यहाँ पर 254 कब का है? जब मैंने वो पोजेशन दिया 15-16 के अंदर पोजेशन दिया, तो 15-16 में जो भी आपका रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आई कोवा निकल कर आएगी। कैलकुलेट आप कर लेना आपकी आई कोवा मेरे ख्याल से इतनी निकल कर आएगी। एक बार मैं भी कर लेता हूँ सर, आप भी कर लो एक बार। 120 122 मल्टीप्लाई 254। हाँ जी अप्रोक्स, हाँ इतनी निकल कर आ रही है। तो आई को ये माइनस करोगे बैलेंस आएगा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, सोच के बोल देना सर। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल इस साल होगा या जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा? सर जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो मैंने वही लिखा हुआ है टैक्सेबल व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट रसी। तो सिंपल सी बात है सर, 45(5)A में न्यू सिलेबस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ओल्ड के अंदर चांसेस कम है, बट मैंने कह रहा क्वेश्चन वहां पर बनेगा नहीं। तो चाहे क्वेश्चन किसी के अंदर भी बने सबसे पहले चेक करना क्वेश्चन में आपने दिया क्या है, बदले में आपको मिला क्या है, जो आपको बदले में मिला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है वो लिख लो, अगर बदले में कैश भी मिला है उसको उसमें ऐड कर दो, और जितना पोर्शन आपने दिया उतने पोर्शन की कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट निकालने के बाद उसको आई को में कन्वर्ट करो, फिर कैपिटल गेन निकाल लो। बस ये क्वेश्चन 45(5)A का है, 45(5)A में और इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका 45(5)A है। कोई भी डाउट आ रहा है दोबारा से एक बार चेक करो मैंने क्या बोला है, उसके बाद फिर अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि 45(5)A में इस पॉइंट में डाउट आ रहा है, कोशिश करूंगा और क्लियर कर दूं मैं यहां पर, ठीक है? क्लियर हो गया पक्का पक्का? यस सर। इधर देखो ध्यान से, उसके बाद फिर हमारा एक सेक्शन आ रहा है सेक्शन 50C। ये सेक्शन ऑलरेडी हम 11वीं रिवीजन क्लास के अंदर हम कर चुके हैं सर, ये सारे सेक्शन हम कर चुके हैं, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक करा दो, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ यहां पर आपको करवा रहा हूं। एक बार चेक करो यहां पर, मान लो एक सेलर है उसने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 1 अप्रैल 2000 को 8 लाख रुपए की, और 1 अप्रैल 2001 को उसकी कॉस्ट कितनी है मतलब FMV कितनी है 10 लाख रुपए की है। एग्रीमेंट किया मैंने 15 अप्रैल को, उस टाइम सेल प्राइस 40 लाख रुपए था, स्टैम्प ड्यूटी 80 लाख रुपए थी, और जिस टाइम एग्रीमेंट किया ना उस टाइम बायर ने मुझे एडवांस दिया कितना, 5 लाख रुपए का एडवांस दिया, और कैसे दिया? चेक से। और मान लो ये चेक कौन सा, मान लो अकाउंट पे ही चेक है। अब सोच के बोला 5 लाख रुपए का अकाउंट पे चेक दिया, और ये दिया कब है? 13th अप्रैल 17। अब सोच के बोल देना सर, अपने आप गलती मत कर देना, जिन्होंने रेगुलर बैच के अंदर ये चैप्टर अटेंड किया हुआ है वो गलती कर देंगे, देखना फिर उन्हें गुस्सा हो रहा मैं यहीं बैठे बैठे, ध्यान रखना फिर। अब सोच के बोलना सर आपका एग्रीमेंट हुआ था 15 अप्रैल को, आपका एग्रीमेंट हुआ 15 अप्रैल को और आपने एडवांस दिया 13 अप्रैल को, तो आपने एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले आपने एडवांस दिया, एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले आपने एडवांस दिया और कैश में नहीं दिया, तो उसके अंदर मैंने क्या बोला था, जो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना वो तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा।
इट मीन्स कहना क्या चाह रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी देखो मेरे को रजिस्ट्रेशन के दिन की भी दी है 100 लाख रुपए, बट ये 100 लाख रुपए मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे किसी काम की क्यों नहीं है, क्योंकि बायर ने मुझे एडवांस दे दिया एग्रीमेंट से पहले, और वो भी कैसे दिया, अदरवाइज देन कैश। तो मेरी स्टैम्प ड्यूटी क्या बनेगी, 80 लाख बनेगी। आईकोआ मेरी क्या बनेगी, 10 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 272, 27 लाख 20 हज़ार पे कैपिटल गेन मेरा ये निकल कर आएगा। तो सर जब भी एग्जाम में 50C में दो स्टैम्प ड्यूटी दी होंगी ना, तो उसमें बस ये चेक करना, अगर बायर ने आपको जो एडवांस दिया है, अगर वो अकाउंट पे ही चेक से है, अगर वो डिमांड ड्राफ्ट से है, या अगर वो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से है और एग्रीमेंट या उससे पहले आपको मिला है, तो फिर आपको एग्रीमेंट के दिन की लेनी है। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है या आपको कैश के अंदर मिला है, फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन के दिन की वैल्यू होगी फिर आपको वो लेनी है। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। तो 50C में स्टैम्प ड्यूटी कौन से दिन की लेनी है वो डिपेंड करता है कि बायर ने आपको पेमेंट कैसे की है। बायर ने अगर पेमेंट की एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले, फिर तो एग्रीमेंट के दिन की ले लेना। अगर एग्रीमेंट के दिन बाद पे की है, बट एग्रीमेंट के दिन भी की है बट कैश में पे की है, फिर क्या लेंगे, रजिस्ट्रेशन के दिन की, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये हमारा सेक्शन 50C था। तो ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, यही आपके डाउट थे यहाँ पर मैं करवा चुका हूँ। ठीक है जी, लो जी, अब जो मेरे बैलेंस टॉपिक है ना सर, मैं अब उस पर आ रहा हूँ। इधर देखो ध्यान से, अब ये आपके सामने ये जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये सारे के सारे टॉपिक ना अभी हमें करने हैं। सर इतने सारे सेक्शन अभी हमें और करने हैं, यस, ये सारे सेक्शन अभी तक हमने किए नहीं थे, बट छोटे छोटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार इन सारे सेक्शन को फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूँ, रेगुलर बैच में मैंने सारे कर लिए थे, तो रेगुलर बैच वाले बच्चे फटाफट से रिवाइज करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। और जिन्होंने मतलब जो कहीं से भी पढ़े हैं, वो भी अपनी बुक खोलकर बैठ जाएं, फटाफट से चेक करें उनके टीचर ने क्या बोला था, और रिवाइज करें कि जो हमने सेक्शन करने हैं उसके अंदर क्या क्या था। स्टार्ट कर सकते हैं, पक्का पक्का, वादा रहा, यस सर। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहले यहां पर निकल कर आ रहा है फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, एक तो हमें ये डिस्कस करना है। उसके बाद आएगा थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48, ये भी हमें डिस्कस करना है। देन आएगा फिफ्थ प्रोविजो, ये भी हमें डिस्कस करनी है। 50CA, 50D, 45(3), 45(4), ये सारे के सारे सेक्शन आज हमें डिस्कस करने हैं, और अदर सोर्स में ये पॉइंट जो हैं, ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। लोरी सबसे पहले मैं सेक्शन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर, दैट इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। अब याद करो सर, अगर मैं फर्स्ट प्रोविजो की बात करता हूँ ना, याद करो मैंने रेगुलर क्लास के अंदर भी कहा था कि ये वाली प्रोविजो मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, किसके लिए लेकर आए थे, सिर्फ एनआर के लिए लेकर आए थे। और एनआर के लिए क्यों लेकर आए सर, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको क्लास के अंदर ना प्लानिंग बताई थी कि लोग मतलब लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी। याद करो मैंने कहा था फॉरनर से मीटिंग करते थे, फॉरनर की प्रॉब्लम सुनते थे, फॉरनर से पूछते थे क्या करना चाहिए, फिर फॉरनर ने एक प्रॉब्लम बताई थी, उस प्रॉब्लम में उनको क्या दिक्कत थी, वो सारी प्रॉब्लम रिजोल्व करने के लिए मनमोहन सिंह जी ये लेकर आए थे। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना बता रहा हूँ, यदि ध्यान रखना कि फर्स्ट प्रोविजो स्पेसिफिकली एनआर के लिए आई है और किसी के लिए नहीं आई। सर एनआर के लिए कब आएगी, एनआर के लिए इसलिए आई है, गवर्नमेंट ये बात बोलना चाहती है कि अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर सेल करेगा, दोबारा बोलूंगा, अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर सेल करेगा ना, तो जब भी उसके हम कैपिटल गेन निकालेंगे, वो इंडियन करेंसी में नहीं निकालेंगे, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर से डिवेंचर सेल करेगा, तो उसके कैपिटल गेन हम अगर फॉरेन करेंसी में निकालेंगे, फिर तो हमें कन्वर्जन रेट चाहिए। क्योंकि सोच के देखो, अगर कोई एनआर इंडिया में आकर इंडिया के शेयर परचेस कर रहा है या इंडिया के शेयर सेल कर रहा है, तो उसको तो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ना, और अगर इंडियन रुपीज में होंगे और जब वो सेल करेगा, फिर कैपिटल गेन निकालने के लिए आपने बोला फॉरेन करेंसी में निकालने, और अगर फॉरेन करेंसी में निकालने हैं तो इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम कन्वर्जन रेट कौन से लेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार चेक करो, देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहली बात, एप्लीकेबल किस पर होगी, सिर्फ एनआर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। एसेट कौन कौन सी हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं इंडियन कंपनी के। इटमीन्स अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स होंगे, डिवेंचर्स होंगे, सिर्फ उन पर एप्लीकेबल होगी। अगर आपने इंडिया में कोई और एसेट परचेस की है और किसी की एसेट पर ये मतलब प्रोविजन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स अगर एनआर ने इंडिया में गोल्ड परचेस किया, एनआर ने इंडिया में बिल्डिंग परचेस की, नॉर्मल कैपिटल गेन आएंगे। अगर एनआर ने इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर परचेस किए होंगे, फिर आपके कैपिटल गेन ये वाले कैलकुलेट होंगे। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, यस सर। कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट आपकी फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए, ऑल्दो अलाउड इन केस ऑफ रीइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन करेंसी में, तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने रीइन्वेस्टमेंट भी की होगी ना, तो याद करो मैंने क्लास में कहा भी था कि रीइन्वेस्टमेंट वाले केस में भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, यह बात ध्यान देना। फिर मैंने कह लिया कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन किस में निकालने हैं, फॉरेन करेंसी में। सर ये बात ध्यान रखना, कैपिटल गेन आपको इंडियन करेंसी में नहीं निकालने, फॉरेन करेंसी में निकालने। इट मीन अगर फॉरेन करेंसी में निकालोगे, क्या चाहिए, कन्वर्जन रेट चाहिए। देखो मैंने वो लिखा है, प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्जन रेट चाहिए। सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या दिया, रूल 115A है, उसमें आपको बताया कि आपको कन्वर्ट कैसे करने हैं।
या ठीक है जी, अब मुझे फटाफट से बताओ अभी तक मैंने क्या बोला है। सर मैंने ये बोला है अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर से डिवेंचर सेल करेगा तो कैपिटल गेन निकालने हैं फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में निकालने के लिए हमें कन्वर्जन रेट चाहिए, कन्वर्जन रेट तुम्हारे रूल 115A के अंदर दिए हुए हैं। अब रूल 115A के कन्वर्जन रेट क्या बोलते हैं, देखो कंप्यूटेशन, सेल प्राइस फॉरेन करेंसी, कोवा आएगी फॉरेन करेंसी, ईओटी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर फॉरेन करेंसी, कैपिटल गेन भी आएंगे फॉरेन करेंसी में। अब ये सेल प्राइस निकालना है फॉरेन करेंसी में, कैसे निकालना है देखो, एवरेज ऑफ बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर, इट मीन्स जिस दिन तुमने शेयर ट्रांसफर किए होंगे ना, जिस दिन तुमने शेयर ट्रांसफर किए होंगे उस दिन का जो बाइंग रेट होगा और सेलिंग रेट होगा उसका जो एवरेज होगा उससे कन्वर्ट करना है। याद करो सर मैंने आपको बताया था कि आपको ना क्वेश्चन में टेबल दी होगी, उस टेबल में आपका बाइंग रेट भी दिया होगा, उस टेबल में आपका सेलिंग रेट भी दिया होगा। मेरी बुक में क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन वहां लिखवाए थे, क्वेश्चन मेरी बुक में दिया भी हुआ है, तो आप बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ध्यान रखना बाइंग रेट भी दिया हुआ है, सेलिंग रेट भी दिया हुआ है, बाइंग और सेलिंग का जो एवरेज होगा उस एवरेज से कन्वर्ट करना आपको सेल प्राइस को। सर कोवा कैसे कन्वर्ट करनी है, जिस दिन तुमने परचेस किया होगा उस दिन का भी बाइंग सेलिंग रेट होगा, उसके एवरेज से परचेस कन्वर्ट कर लो। सर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कैसे कन्वर्ट करनी है, जिस दिन तुमने सेल किया होगा उसी दिन के एवरेज से ईओटी कन्वर्ट करनी। इट मीन्स कहना पता क्या चाह रहा हूँ सर, एक बात ध्यान रखना, जिस प्राइस से आपने सेल प्राइस कन्वर्ट किया ना, जिस प्राइस आपने सेल प्राइस कन्वर्ट किया उसी सेम प्राइस से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कन्वर्ट करने है। आप चेक करो, देखो मैंने ये लिखा हुआ है, यही सेम पॉइंट आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, आप ये बात ध्यान रखना। तो बात समझ में आ रही है, तो जहां से आपने सेल प्राइस कन्वर्ट किया वहीं से ईओटी है, कैपिटल गेन आ गया फॉरेन करेंसी में, इसको कन्वर्ट करना है बाइंग रेट से, सिर्फ बाइंग रेट से। तो बाइंग रेट किस दिन का लेना है, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उस दिन का जो बाइंग रेट है उससे मल्टीप्लाई करो, जो आपके इंडियन रुपीज में आएंगे, अगर वो गेन है तो टैक्स पे कर दो, अगर वो लॉस है तो दूसरी इनकम से खत्म कर लो। ये हमारा फर्स्ट प्रोविजन था। एग्जाम में आने के 5% चांस है, कभी आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, बट मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ सर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड है क्वेश्चन कहीं से भी डाल देगा। बट इतना ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट प्रोविजो का, तो उस क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि एक एनआर है इंडियन कंपनी के शेयर परचेस किए, फिर उसको शेयर सेल कर रहा है, तो कैपिटल गेन इंडियन रुपीज में मत निकाल देना, वो फॉरेन करेंसी में निकलेगा, फॉरेन करेंसी में निकालने के लिए ये रेट लगेंगे, इस रेट के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल गेन निकलेगा, आप ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का? यस सर। लो जी आगे देखो, फिर अगला पॉइंट हमारा है निकल कर आ रहा है थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48, बिल्कुल सिंपल है जी। थर्ड प्रोविजो के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। इट मीन्स इन केस में ना आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो लॉन्ग टर्म गेन हो चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन हो, हर केस में विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकालने, इंडेक्सेशन गलती से मत कर देना। अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो, आपने हमें कैपिटल गेन में ना रिवाइज करवाया था कि लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्स करते हैं, तो क्या यहाँ पर नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं करना, इन केस में चाहे लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो उस केस में इंडेक्स नहीं करना। सर ऐसे कौन कौन से केस हैं, देखो उसने क्या लिखा है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। इट मीन्स अगर मैं बॉन्ड्स और डिवेंचर्स की बात करूंगा, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में इंडेक्सेशन नहीं करना, बट दो एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने यहां पर रखी हैं, कौन कौन सी, अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। आपको मैंने दोनों बॉन्ड अच्छे से बताए थे, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड वैसे भी तो गवर्नमेंट नॉर्मली इशू नहीं किए, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था क्लास के अंदर, तो बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए, इतना ध्यान रखो रिवीजन क्लास के लिए, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता। दोबारा बोलो, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता। फिर दोबारा बोलो, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर आपने ये दोनों सेल किए होंगे तो इनकी सेल पर इंडेक्सेशन मिल जाएगा, इतना ध्यान रखना। ये बात क्लियर है, दैट इज द थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 48, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर हमारी आ रही है फिफ्थ प्रोविजन टू सेक्शन 48। फिफ्थ के अंदर क्या है, याद करो सर, एक ना हमने कैपिटल गेन की मेरे ख्याल से सेकंड रिवीजन क्लास हमने की थी या थर्ड की थी, आपने अगर एक बार चेक की हो मुझे बता देना। एक हमने वहां पर ना सेक्शन 1038 किया था, और सेक्शन 1038 के अंदर मैंने कहा था कि अगर किसी पर्सन ने शेयर मार्केट में सेल की, उसकी सेल पर एसटीटी पे किया, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो सारे एग्जम्प्ट होंगे। याद आ गया ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में 15% टैक्सेबल है। हाँ हाँ सर, हाँ याद आ गया, आपने बताया था हमें, हाँ याद करो फटाफट से, 111A 15% टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड है, एग्जम्प्ट है। अब सोच के बताना वो एग्जम्प्ट कब होते थे, मैंने कहा था कि अगर आपने सेल और परचेज पर एसटीटी पे किया हो, अगर आपने एसटीटी पे किया होगा तभी तो एग्जम्प्ट होंगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पर वही लिखा है कि भैया जो तुमने वहां पर एसटीटी पे किया होगा ना उसकी कोई भी डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान रखना। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो तुमने एसटीडी पे कर दिया तुम अपने पीएनएल में डेबिट कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो तुमने एसटीडी पे किया उसका बर्डन तुम्हारी जेब पर आएगा, उसका बेनिफिट तुम हमसे मत लेना, ये बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है। देखो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, डिडक्शन ऑफ एसटीडी नॉट अलाउड इफ सिक्योरिटी होल्डर्स कैपिटल सेट।
इट मीन्स अगर आपने सिक्योरिटी एज ए कैपिटल एसेट होल्ड की है तो उस केस में एस टी टी का बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा. इट मीन्स परचेज प्राइस में उसको ऐड नहीं करोगे, सेल प्राइस में उसको माइनस नहीं करोगे, कोई डिडक्शन तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी. मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, माइंड में डालते रहो सर. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा डेली बेस पर रिविजन कर रहा है बहुत आगे जाएगा, जो बच्चे रिविजन डेली बेस पर नहीं करेगा उसको फिर बाद में जाके दिक्कत आने वाली है. पॉइंट क्लियर कर दूँ? यस सर. इधर देखो ध्यान से, अगला पॉइंट फिर मेरे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, सेक्शन 50C. ये भी बिल्कुल छोटा सा ही है. क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट होमवर्क मैंने दिया था फिर भी मैंने करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता है आप होमवर्क करते ही नहीं हो, क्योंकि पटेल नगर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. यस सर, हम भी आपसे सर बहुत प्यार करते हैं, लव यू टू जी. ओके चलो, इधर देखो ध्यान से, सेक्शन 50CA याद करो. सेक्शन नंबर 50CA के अंदर मैंने क्या बोला था कि आपके शेयर दो तरह के होते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड. अगर आपने लिस्टेड शेयर सेल की हैं फिर तो कोई प्लानिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्लानिंग की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे प्राइस उसके मार्केट में लिस्टेड होते हैं. बट अगर कोई आपने अनलिस्टेड शेयर सेल की ना, तो वहां पर लोग प्लानिंग करते थे. प्लानिंग कैसे करते थे, उसका सेल प्राइस कम दिखाते थे. अब अगर सेल प्राइस कम दिखाया, FMV ज्यादा है, तो सेक्शन 48 ने क्या बोला, जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल प्राइस लेंगे. अब जब लोगों ने ये प्लानिंग करना स्टार्ट किया ना अनलिस्टेड वाले शेयर में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 50CA इंसर्ट कर दिया. और सेक्शन 50CA बिल्कुल सिंपल सा है, वो ये बात कहता है, सबसे पहले बात एप्लीकेबल कब होगा, अनलिस्टेड शेयर पर. और क्या लिखा है कि अगर आपका सेल प्राइस आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगा ना, देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड योर सेल प्राइस. बस वही बात कहना चाह रहा है. इट मीन 50CA सर एक्चुअल में कुछ भी नहीं कह रहा, बस ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा अनलिस्टेड शेयर का, दोबारा बोलूंगा, जब भी क्वेश्चन बनेगा अनलिस्टेड शेयर का और उसमें अगर आपका सेल प्राइस आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम होगा, देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड योर सेल प्राइस. ये हमारा 50CA है. और क्यों लेकर आए, लोग प्लानिंग करते थे, उस प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या 50CA इंसर्ट कर दिया. तो लिस्टेड शेयर पर नहीं है, लिस्टेड शेयर पर नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, लिस्टेड शेयर पर नहीं है, अनलिस्टेड शेयर पर है. और वो भी कब, अगर हमारा सेल प्राइस हमारी FMV से कम है, देन FMV जो होगी वो हमारी क्या मान ली जाएगी, सेल प्राइस. अगला हमारा 50D. याद करो सर, क्लास के अंदर मैंने कहा था 50D सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, गुडियर कंपनी वाले केस में उसने प्लानिंग की थी, और मैंने कहा था उस प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 50D इंसर्ट किया था. याद आ रही है ना, 50D के अंदर मैंने कहा था कि गुडियर कंपनी ने शेयर ट्रांसफर कर दिए थे, तो वही सेम बात यहां पर है. अभी के लिए इतना ध्यान रखो, 50DA बात कहता है, दोबारा बोल रहा हूं सर, 50DA बात कहता है कि अगर किसी केस में आपका सेल प्राइस नहीं निकल पा रहा, अगर किसी केस में सेल प्राइस असर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस होगा. और सेल प्राइस असर्टेनेबल किस केस में होता है, याद करो मैंने कहा था गुडियर कंपनी, आपको चलो मैं याद कराता हूँ, क्लास का मैंने क्या कहा था, कुछ नालायक बच्चे हैं भूल गए होंगे, मैंने कहा था गुडियर कंपनी है, और गुडियर कंपनी एक इंडिया में कंपनी है, और उस गुडियर कंपनी एक सिंगापुर के अंदर कंपनी है. अब गुडियर कंपनी ने क्या किया था, अपनी इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए थे सिंगापुर वाली कंपनी को, और एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि मैं शेयर ट्रांसफर कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं सिंगापुर वाली कंपनी को सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाना चाहती हूँ. अब सोच के बोलना, अब उसने अपने शेयर सारे दे दिए और क्या कहकर दिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है. अब डिपार्टमेंट का कैपिटल गेन लगेगा, मैंने कहा लगा दो. अब डिपार्टमेंट का सेल प्राइस क्या, मैंने कहा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना. अब उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का सेल प्राइस क्या है, नहीं निकल पा रहा ना, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई उसका स्ट्रॉन्ग बनाने का सेल प्राइस तो निकल ही नहीं पा रहा, तो गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए क्या 50D इंसर्ट किया कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, तो उस शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ड्यू टू योर सेल प्राइस. तो सिंपल सी बात क्या आ रही है, 50DA हमारा देखो लिखा हुआ है, इफ सेल प्राइस इज नॉट असर्टेनेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइन, देन फेयर मार्केट वैल्यू इज डीम्ड एज सेल कंसिडरेशन. ये बात ध्यान रखना. अब बच्चा कह रहे हैं सर, जो आपने ऊपर बताया वो भी तो ये बात है ना, वो अनलिस्टेड शेयर पर है, और वो क्या कह रहे हैं, सेल प्राइस है. 50CA क्या कह रहे हैं, नाला को 50CA क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेल प्राइस है बट FME से कम है. और 50D क्या कह रहा है, सेल प्राइस पता नहीं लग पा रहा, और अगर सेल प्राइस पता ही नहीं लग पा रहा, देन फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, तुम्हारा सेल प्राइस होगा 50D. ये बात कहना चाह रहे हैं, ये बात क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट हमारे आगे. चलो उसके बाद सेक्शन 45(3) एंड 45(4), ये भी बच्चों वाले सेक्शन है, एग्जाम में कभी आए नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको रेगुलर क्लास में होमवर्क दिए थे, बट फिर मैंने अगले दिन करवा दिए थे, तो वही एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर आपने रेगुलर क्लास में नहीं सुना था तो एक बार यहाँ पर सुन लो. हाँ जी, 45(3) क्या कह रहा है, अगर पार्टनर है एडमिशन के टाइम पर पार्टनरशिप फर्म को एक एसेट ट्रांसफर कर रहा है. अब सोच के बोलना, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एक एसेट ट्रांसफर की है, तो कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा, सर पार्टनर के हाथ में लगेगा. अब मुद्दा ये आ रहा है, बच्चा ये बात कहता है सर हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही. मैंने कहा वो क्या सर, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एडमिशन पर एसेट दी होगी, वो तो उसने कोई प्राइस चार्ज ही नहीं किया होगा, और अगर कोई प्राइस चार्ज नहीं किया तो आप पार्टनर के हाथ में कैपिटल कैसे निकालोगे. मैंने क्या बोला था कि जो पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड किया होगा ना, वो प्राइस क्या बन जाएगा, सेल प्राइस बन जाएगा.
तो सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एसेट ट्रांसफर की है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एसेट ट्रांसफर की है, तो कैपिटल गेन अराइज कैसे होंगे? सेल प्राइस क्या बनेगा? अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म ने अपनी बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड किया होगा वो प्राइस को क्या मान लेंगे? सेल प्राइस। ध्यान रखना सर, पार्टनर के हाथ में, वो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, याद करो सर, आपने जब चैप्टर किया होगा आपके अकाउंट्स वाले सर ने कराया होगा, चैप्टर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पार्टनर क्या क्या लाता है? गुडविल लाता है, कैश लाता है, एसेट लाता है। तो पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करती है, तो जिस अमाउंट से वो एंट्री पास करती है वो अमाउंट पार्टनर के हाथ में क्या बन जाएगा? सेल प्राइस। को उसे पता होगी कैपिटल गेन निकाल देगा। ये 45(3) है बस। 45(4) में क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट दे रही है। सर पार्टनर क्यों दे रही है? पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, उस केस में किसको मिलेगी? पार्टनर को मिलेगी। और अगर फर्म पार्टनर को देगी तो ट्रांसफर किसके हाथ में होगा? फर्म के हाथ में। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? जो तुमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया ना वो सेल प्राइस नहीं बनेगा, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी फिर वो सेल प्राइस बनेगा। तो सिंपल सी बात आ रही है। सर हमने एक लाइन रट ली, मैंने कहा वो क्या? सर अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को देगा तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स वाला सेल प्राइस लेना है, और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगी तो फिर एफएमई लेनी है। वेरी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। दोबारा से बोलूंगा, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, एफएमई लेनी है, सॉरी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, पार्टनरशिप फर्म वाली वैल्यू लेनी है, और अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दिया देन फिर हमें क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी यहाँ पर कॉस्ट बन जाएगी, दैट इज सेक्शन 45(4). ये बात क्लियर है? पक्का पक्का? यस सर। चलो इधर देखो ध्यान से, अगला हमारा सेक्शन आ रहा है सेक्शन नंबर 50B, स्लम सेल। स्लम सेल, अच्छा आप सुनो ध्यान से। अब मैंने क्लास में एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा स्लम का मतलब क्या होता है? नालायक बच्चा कहता है स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। इधर देखो नालायक का वो स्लम होता है, वो होता है स्लम, ये मैं कह रहा हूँ SLUMP स्लम, इसमें पी साइलेंट है, वो स्लम नहीं कह रहा मैं। हाँ इधर देखो ध्यान से, स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का मतलब ये होता है, आपको मैं अगर बताऊँ स्लम सेल का मतलब, मैंने क्लास के अंदर बताया था थोड़ा सा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ स्लम सेल का मतलब क्या होता है। देखो नाम से पता लग रहा है स्लम सेल, एक बार दोबारा बोलो घर बैठे बैठे, मैंने क्या बोला है? स्लम सेल। एक बार और बोलो फिर, मैंने क्या बोला है? स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब होता है सेल फॉर ए लमसम कंसिडरेशन, इट मीन इसका मतलब क्या कि आपने कोई एक आधी एसेट सेल नहीं की, आपने पूरी अंडरटेकिंग ही सेल कर दी। तो अगर आपने पूरी अंडरटेकिंग ही सेल कर दी है तो उस केस में कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी, वो सारी बातें 50B के अंदर। याद करो मैंने कहा था इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्लम सेल हुई थी रेमंड्स कंपनी की। रेमंड्स कंपनी ने अपना सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके कंसल्टेंट ने उससे कहा था कि सीमेंट का बिजनेस बंद कर दो, ये तुम्हारे कप की टी नहीं है। रेमंड्स कंपनी ने क्या किया था? अपने सीमेंट का बिजनेस लफार्जे कंपनी को सेल किया था, और रेमंड्स ने जब सीमेंट का बिजनेस अपने लफार्जे कंपनी को सेल किया तो 50B जो है वो रेमंड्स कंपनी के हाथ में लगा था। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर, और मैंने ये भी कहा था फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। अब देखो सर मेरा कोर एरिया जो है टैक्स है, टैक्स पढ़ाना मुझे आता है, मेरी जिंदगी पूरी मैंने बस सोची जो है कि चाहे मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा, बस मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है अपनी टैक्स को डिवोट करना चाहता हूँ। और मैं कोशिश मेरी दिल से तो ये रहती है कि हर बच्चे का प्यार टैक्स बन जाए, हर बच्चे को टैक्स से प्यार हो जाए। मुझे नहीं पता कि आपको टैक्स से प्यार होता ही नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको उससे प्यार होना चाहिए। तो अब मान लो एक बच्चे ने कहा सर आप टैक्स पढ़ाते हो, हमें ना आपका टैक्स पढ़ाया ना बहुत अच्छा समझ में आता है, ऐसा करो आप सेकंड ग्रुप में ना मान लो हमारा FM भी पढ़ा लो, आप कोस्टिंग पढ़ा लो, अकाउंट्स पढ़ा लो। सर एक बात मुझे बताना, कोस्टिंग FM अकाउंट्स क्या मुझे आते नहीं? आते तो हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोर एरिया मैंने पहले भी कहा टैक्स है। अब सोच के बताना सर, आप खुद इमेजिन करो कि मेरे पास दिन में 12 घंटे पढ़ने को हैं, अब जो मैं 12 घंटे यहाँ पर टैक्स में लगाऊंगा, और जब मैं 3 पेपर पढ़ाऊंगा वही 12 घंटे अगर मैं 3 पेपर पर लगाऊंगा तो मैं वो क्वालिटी दे ही नहीं पाऊंगा जो मैं 12 घंटे के अंदर दे पाऊंगा। और तो मान लो चलो मैंने कहा जी बच्चों ने कहा स्टार्ट कर दो, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा चलो पैसा तो आएगा, ऑब्वियसली बात है एक पेपर पढ़ा रहा हूँ कम पैसा आएगा, 3 आएगा ज्यादा आएंगे लाला चाह लप लप। अब मैंने कहा चल पढ़ा देते हैं यार कोई बात नहीं पढ़ा देते हैं, दिक्कत क्या आ रही है? बच्चे कह रहे हैं पढ़ा देते हैं, मैंने क्या क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, टैक्स के अंदर रिस्पांस अच्छा आ रहा है और दूसरे में रिस्पांस थोड़ा कम आ रहा है, तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे कहा, मतलब मेरे समझाने वाले ने मुझे कहा कि विवेक कि ये जो अकाउंट्स और FM है ना ये तेरे कप की टी नहीं है, और अगर तूने पढ़ाना बंद नहीं किया तो अगले आने वाले टाइम में तेरे टैक्स का अंदर बच्चा भी खत्म हो जाएगा। इट मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि स्लम सेल का मतलब क्या कि आपके कंसल्टेंट आपको गाइड करते हैं कि भैया ये बिजनेस तेरे कप की टी नहीं है, उस बिजनेस को तू सेल कर दे, और तू अगर बिजनेस को सेल करेगा उस केस में जो कैपिटल गेन आएगा दैट इज स्लम सेल। तो सिंपल सी बात आ रही है सर, स्लम सेल में कोई मैंने सिंगल एसेट सेल नहीं की, मैंने पूरा बिजनेस ही सेल कर दिया, तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकल कर आएगा? वो सारी बातें 50B के अंदर निकल कर आएंगी। एक बात चेक करो 50B क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं
ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट अंडरटेकिंग। देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट अंडरटेकिंग, इट मींस यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर आपने, ध्यान रखना सर, अगर आपने पूरी की पूरी अंडरटेकिंग सेल की है फिर तो आपका यहां पर स्लम सेल वाला केस आएगा। अंडरटेकिंग इज ए कैपिटल एसेट, इट मींस यहां पर कोई एक एसेट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि पूरी की पूरी अंडरटेकिंग क्या है, एक एसेट है। आपने सिंगल एसेट सेल नहीं किया, आपने पूरा बिजनेस सेल किया, तो पूरा बिजनेस ही क्या बन गया, एक एसेट बन गया। देखो नेचर ऑफ कैपिटल गेन, सर लॉन्ग टर्म आएंगे शॉर्ट टर्म आएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब वो अंडरटेकिंग बनी, दोबारा बोल रहा हूँ, जब वो अंडरटेकिंग बनी और जब वो आपने अंडरटेकिंग सेल की, दोबारा बोल रहा हूँ, जब वो अंडरटेकिंग बनी और जब वो आपने अंडरटेकिंग सेल की, इसका डिफरेंस अगर 36 मंथ से ज्यादा होगा तो सारे कैपिटल गेन आपके लॉन्ग टर्म आएंगे। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा हूँ सर, एक बात मैं बताना, सीमेंट का बिजनेस था रेमंड्स कंपनी का, मान लो जब अपना बिजनेस सेल किया ना, तो जब उसने अपना बिजनेस सेल किया उससे दो तीन महीने पहले उसने चार पांच एसेट परचेस की थी। अब उसे दो तीन महीने पहले उसने जब चार पांच एसेट परचेस की, अगर वो एसेट वो अलग से सेल करता तो गेन आता शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैंने दो तीन महीने पहले परचेस की है और मैं अलग से सेल करूंगा, शॉर्ट टर्म ही तो आएगा क्योंकि दो महीनों का गैप आ रहा है। बट गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर अंडरटेकिंग को बने 36 महीने हो चुके हैं और 36 महीनों के बाद तुमने अंडरटेकिंग सेल की है ना, चाहे उसमें एसेट शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो तो भी गेन आपका लॉन्ग टर्म आएगा। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है, सर इसका मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि अगर मान लो उस अंडरटेकिंग में मेरी कुछ एसेट शॉर्ट टर्म भी हैं तो क्या वो भी लॉन्ग टर्म मान ली जाएंगी? यस, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो अंडरटेकिंग बनी मेरी 2005 में, अंडरटेकिंग मैंने सेल की 2010 में, डिफरेंस मेरा 5 साल का है, तो मेरा सारा गेन लॉन्ग टर्म आएगा, चाहे कुछ एसेट मैंने अभी पहले ही परचेज क्यों ना की। तो वास्तव में आ रही है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखना सर, अंडरटेकिंग का डिफरेंस हमें चेक करना है, एसेट का डिफरेंस हमें चेक नहीं करना, अंडरटेकिंग कब बनी और कब सेल की ये डिफरेंस आपको चेक करना है। ये बात क्लियर है? यस। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि यहां पर कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इट मींस कैपिटल गेन निकालना है विदाउट इंडेक्सेशन निकालना है, बिना इंडेक्सेशन के यहां पर कैपिटल गेन निकालना है, ठीक है। कोवा क्या लेंगे सर, सेल प्राइस तो पता होगा, कोवा क्या लेंगे, नेटवर्थ लेंगे। नेटवर्थ का मतलब आप सब जानते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब एसेट की वैल्यू क्या क्या लेनी है, देखो गवर्नमेंट ने बताया, अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो बुक वैल्यू लेनी है, डेप्रिशिएबल है तो WDV लेनी है, और अगर 35 AD वाली एसेट है तो नील लेनी है। ये 35 AD मैंने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था PGP के अंदर बताऊंगा, तो जिनका PGP हो चुका है वो 35 AD समझदार है, जिनका PGP नहीं हुआ सुन के छोड़ देना, अगर कोई एसेट 35 AD वाली होगी तो वैल्यू आपको नील लेनी है, बस ये चीज हमारी निकल कर आ रही है, ठीक है नी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 50B था, यहां तक हमने पॉइंट डिस्कस किए मेरे ख्याल से। कैपिटल गेन के अब एक बार चेक करता हूं, कैपिटल गेन के हमारे सारे प्रोविजन क्या हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। लो जी एक बार चेक करो, फर्स्ट प्रोविजो, हाँ सर फर्स्ट प्रोविजो ना सर, ऐसा करो सर आप ना हमारी एक बात मान लो, मैंने कहा वो क्या सर, जब आप ये चेक कर रहे हो ना तो बोलते बोलते ना फटाफट से एक बार दोबारा बता देना कि आपने इसके अंदर क्या क्या बताया था। ओके लो जी, फर्स्ट प्रोविजन के अंदर मैंने कहा था अगर NR इंडियन कंपनी के शेयर से डिवेंचर सेल करेगा कैपिटल गेन निकलेगा फॉरेन करेंसी में निकालने के लिए कन्वर्जन रेट चाहिए, रूल 115 में कन्वर्जन रेट आपके दिए हुए हैं, उसके बेस पर आपने कैपिटल गेन निकालने, इंडियन करेंसी में कैपिटल गेन भूल कर भी मत निकाल देना, ये पॉइंट मैंने कहा था। थर्ड प्रोविजो, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड उसकी सेल पर इंडेक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिफ्थ प्रोविजो, STT का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 50CA अनलिस्टेड शेयर में सेल प्राइस इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड सेल प्राइस। 50D अगर सेल प्राइस नहीं पता FMV सेल प्राइस मान लो। 45(3) पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर के हाथ में सेल प्राइस क्या बनेगा, पार्टनरशिप फर्म वाला। 45(4) पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर FMV सेल प्राइस बनेगा। 50B स्लम सेल, अभी हमने किया है स्लम सेल वाले केस में कैपिटल गेन सिंगल एसेट पर नहीं निकलेंगे, पूरी अंडरटेकिंग पर निकलेंगे, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, पूरी अंडरटेकिंग का सेल प्राइस, पूरी अंडरटेकिंग की नेटवर्थ माइनस कर दो, बैलेंस क्या आएगा कैपिटल गेन। अगर पूरी अंडरटेकिंग 36 मंथ के बाद सेल की है सारे गेन लॉन्ग टर्म, अदरवाइज क्या आएंगे शॉर्ट टर्म, बस ये चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा अब यहां पर एक ना सेक्शन 54 है, ये मैं इसके अंदर नहीं डाल रहा क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बैच के बच्चों को भी मैं थोड़ी दिक्कत आई थी, मैंने इसका डायग्राम तो बनवाया था रेगुलर क्लास के बच्चों को, बट बच्चों को दिक्कत ही आती है सर हमारा ना 54, सही दिल से बोल रहे हैं हमें ना सब कुछ समझ में आ गया बट 54 में हमें दिक्कत आ रही है, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर, अपने रेगुलर बच्चों की रिक्वेस्ट पर इसके डायग्राम पर मैं काम कर रहा हूँ, और एक क्लास आधे घंटे की सेक्शन 54 की, सिर्फ 54 की क्लास मैं अपलोड करूंगा, उसमें जिसको भी 54 में कभी डाउट आया होगा ना वो लाइफ में कभी डाउट नहीं आएगा। तो 54 की अभी नहीं मैं डाल रहा क्योंकि मैं डायग्राम पर काम कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ ताकि जो आपको आसान लगे मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, तो 54 अभी नहीं डाल रहा। बाकी सारे प्रोविजन मेरे कैपिटल गेन के खत्म हो चुके हैं,
कैपिटल गेन मेरा डन हो चुका है, इंपॉर्टेंट सेक्शन सारे हो चुके हैं, जो छोटे मोटे एक आधे सेक्शन आपके पड़े होंगे एक बार आप खुद रिवाइज कर लेना, उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है मुझसे वैसे पूछ लेना, ठीक है जी। तो ये सारे सेक्शन मैंने करवा दिए, मैंने अपना बेस्ट दे दिया सर, अब आपकी बारी है भी आप मुझे अपना बेस्ट कैसे दोगे, बस ये देख लेना, ठीक है जी। चलो अब सर यहाँ पर मैं रहा हूँ अदर सोर्स पर। अब अदर सोर्स में जो सबसे पहले प्रोविजन मेरा इंपॉर्टेंट आ रहा है ना, वो मेरा आ रहा है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड की टैक्सेशन कैसे होगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदर सोर्स में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, या तो क्वेश्चन बनेगा डिविडेंड का या क्वेश्चन बनेगा गिफ्ट का। गिफ्ट वाले सारे पॉइंट मैं करा चुका हूं, डिविडेंड वाले केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो देखने जा रहा हूं, क्योंकि बाकी तीन पॉइंट जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। बट पहले मैं बात कर रहा हूं डिविडेंड की। अब जिनको डिविडेंड की टैक्सेशन में दिक्कत आती है ना, वो यहाँ पर अब कान खोल के सुन ले सर, अब यहाँ पर प्लीज देखना स्टार्ट करो। ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ बहुत बढ़िया सा, ये सारा का सारा हमारा डिविडेंड की टैक्सेशन का है। इधर देखना ध्यान से, अगर मैं डिविडेंड की बात करता हूँ, अब सर आपने ना जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था रेजिडेंशियल स्टेटस का, हाँ सर कराया तो था, याद आ गया हमें, हाँ आपने कहा था सेक्शन 5 से लेकर 9 तक, याद करो सर फटाफट से रिवीजन क्लास वो याद किया करो, मैंने आपकी रिवीजन क्लास डाली भी थी, बच्चा भूलता जा रहा है, तभी कहता हूँ कि पढ़ते रहा करो, कंसिस्टेंसी रखा करो। इधर देखो ध्यान से, अब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर कहा था कि जो आरओआर की इनकम होती है ना, आरओआर की सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, बट अगर कोई इनकम एग्जम्प्टेड इनकम होती है तो वो आरओआर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होती। और याद करो मैंने वहां पर कहा था डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने अगर पहले एग्जाम दिए हैं या रेगुलर बैच के अंदर, अगर चैप्टर मैंने आपको बताया भी था रेगुलर बैच के अंदर, मैंने कहा था कि अगर डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिलता है तो वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट होता है। क्यों एग्जम्प्ट होता है? क्योंकि कंपनी उसको सीडीटी काट लेती है। तो ध्यान रखना जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा ना, जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा सबसे पहले आप ये चेक करो वो डिविडेंड मिला किससे है। अगर वो इंडियन कंपनी से मिला ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर वो डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला तो ट्रीटमेंट अलग होगा। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आपने ना क्लास में वो 10 लाख रुपए की लिमिट बताई थी कि 10 लाख रुपए तक मिलेगा तो एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। बट इतना भी मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल ध्यान रखना, इंडियन कंपनी से अगर मिला तो ट्रीटमेंट आपको अलग करना है, अगर मिलेगा फॉरेन कंपनी से ट्रीटमेंट आपको अलग करना है। ये बात क्लियर है? यस सर। लोरी चेक करो, देखो मैंने क्या लिखा है, अगर कंपनी आपकी है इंडियन तो अलग चलेगा, अगर कंपनी आपकी है फॉरेन तो ट्रीटमेंट अलग चलेगा। अब चेक करना इंडियन में क्या लिखा है, देखो अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया किसी रेजिडेंट को और अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया किसी नॉन रेजिडेंट को, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रेजिडेंट को, सर बिल्कुल फ्लो में चलना, बिल्कुल फ्लो में चलना, डिविडेंड के क्वेश्चन में आप कभी गलती करके नहीं आओगे, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने इस डायग्राम को बिल्कुल फ्लो के अंदर पढ़ लिया। सबसे पहले बात कंपनी इंडियन है, मिला किसको है रेजिडेंट को। अब अगर रेजिडेंट में ये तीन चार लोग कवर होंगे ना, ये तीन लोग चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो 1023C के अंदर है और डोमेस्टिक कंपनी, अगर ये लोग कवर होंगे तो इन केस में इनके हाथ में जितना भी डिविडेंड इनको मिलेगा ना सारा एग्जम्प्ट होगा। इट मीन्स चाहे वो 10 लाख मिले चाहे वो 10 लाख से ऊपर मिले, अगर डिविडेंड इन लोगों को मिल रहा है तो उनके हाथ में सारा एग्जम्प्ट है। क्यों? क्योंकि कंपनी सीडीटी काट चुकी है। तो सोच के देखो अगर कंपनी सीडीटी काट चुकी है, अगर मैं इनके हाथ में टैक्सेबल करूंगा कहीं ना कहीं डबल टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला इन तीनों केस में हम सारा एग्जम्प्ट करेंगे और कंपनी सिर्फ टैक्स पे करेगी, ये तीनों टैक्स पे नहीं करेंगे। अब बच्चा ये बात कर रहा है सर अगर मान लो एक रेजिडेंट है इंडिविजुअल है, उसको डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से, तो आप क्या करोगे? इंडियन से मिल रहा है सर, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म को डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से, तो आप क्या करोगे? सर एक HUF है, उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? अदर्स। इट मींस अगर आप इनमें कवर नहीं हो, अगर आप इनमें कवर नहीं हो ना, तो दो केस बनाओ। अगर डिविडेंड मिल रहा है आपको 10 लाख रुपए तक, रेजिडेंट हो इन तीनों में कवर हो, जितना मर्जी डिविडेंड मिले वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि कंपनी सीडीटी काट चुकी है। बट अगर आप रेजिडेंट हो बट इन तीनों में कवर नहीं हो तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 10 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, कंपनी सीडीटी काटेगी। बट जैसे ही डिविडेंड आपका 10 लाख से ऊपर की बात होगी ना, अगर मोर देन 10 लाख होगा तो जितना पोर्शन 10 लाख से ऊपर होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में 10% से टैक्सेबल होगा। जो मैंने आपको 10 लाख वाले बात बताई थी ना क्लास के अंदर रेगुलर बैच के अंदर, वो मैंने ये बताई थी, मैंने ये कहा था कि देखो सबसे पहले चेक करो डिविडेंड मिल किसको है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को मिल रहा है दो कैटेगरी बनाओ, अगर इनको मिल रहा है तो सारा एग्जम्प्ट है, इनके अलावा मिलेगा 10 लाख तक एग्जम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। और अगर 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल है तो बच्चा कह रहा है सर अगर 10 लाख से ऊपर 10% टैक्सेबल है एक्सेस पोर्शन, तो क्या कंपनी सीडीटी काटेगी? ना, कंपनी तो सीडीटी पूरे अमाउंट पर काटेगी।
इट मींस गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कंपनी सीडीटी नहीं काटेगी, गवर्नमेंट कह रही है भाई कंपनी सीडीटी तो हर केस में काटेगी, बट 10 लाख से ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो हम शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल करेंगे। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, इस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने किया, बट वो लॉजिक अभी हमें याद नहीं करना क्योंकि रिवीजन में सिर्फ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं लॉजिक बताने पर आ गया फिर तो रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरी, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना। देखो चेक करो, सबसे पहले लो जी मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया यहाँ पर, सबसे पहले कंपनी दो इंडियन फॉरन, इंडियन से मिला रेजिडेंट को, इंडियन से मिला नॉन रेजिडेंट को, इंडियन से मिला रेजिडेंट को, दो केस, वो नोटिफाइड पर्सन अलग है अदर अलग है। नोटिफाइड पर्सन में जितना मर्जी मिले उनके हाथ में एग्जाम्प्ट क्योंकि कंपनी सीडीटी काट रही, अदर ने नोटिफाइड 10 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर उनके हाथ में भी टैक्सेबल है 10% और पूरे अमाउंट पर कंपनी काट लेगी सीडीटी। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। सर अगर मिल रहा है एनआर को, भैया एनआर के तो हर केस में, एनआर के तो हर केस में, दोबारा बोलूंगा आप गलत समझ रहे हो, मैंने कहा ना एनआर के हर हर केस का मतलब क्या है, चाहे वो ट्रस्ट हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचओ हो, एनआर अगर है ना बात खत्म। एनआर के तो हर केस में गवर्नमेंट कह रही है भैया जितना मर्जी डिविडेंड दे दें उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ कंपनी सीडीटी काटेगी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था एनआर वाले केस में रिजर्व बाहर से आता है, और अगर बाहर से रिजर्व आएगा इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला उस केस में हमें दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना एनआर के हर केस में, एनआर के हर केस में एग्जम्प्ट है और कंपनी सीडीटी काटेगी। देखो मैंने आपको मैं थोड़ा दिखा दूं, ये देखो 10 लाख तक की लाइन वो ये जा रही है, देखो ये लाइन जा रही है 10 लाख तक, मतलब कंपनी सीडीटी काटेगी, कंपनी सीडीटी काटेगी और एग्जम्प्ट होगा, और यही लाइन मैंने देखो एनआर में डाली है और एनआर के हर केस में बस यही लगेगा कंपनी सीडीटी काटेगी उनके हाथ में एग्जम्प्ट है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट, अगर इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये ट्रीटमेंट है। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का? फिर भी कोई डाउट आ रहा है भाई समझ के डाउट पूछ लिया करो। सर आपका करियर बस मेरी प्रायोरिटी है कि आप पास हो जाओ, बस मेरा दिल तो हमेशा ये बात कहता है कि भैया कोई डाउट आ रहा है शर्माया मत करो, बड़ा भाई समझ के कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि हाँ सर ये पॉइंट में थोड़ा सा डाउट आ गया, नेक्स्ट रिविजन क्लास में आपको सोल्व कर देना, कोशिश करूंगा कि मैं पूरे पूरे आपके डाउट्स ले सकूं यहाँ पर, ठीक है जी। जितने देखो कमेंट पढ़ पाता हूँ मैं ऑलमोस्ट डाउट ले लेता हूँ, बट फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लिया करो। लो जी एक बार दोबारा करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, इंडियन है, इंडियन से मिल रहा है, दो केस हैं आर और एनआर, आर को मिल रहा है नोटिफाइड अदर देन नोटिफाइड, नोटिफाइड एग्जम्प्ट है क्योंकि कंपनी सीडीटी काट रही है, अदर देन नोटिफाइड 10 लाख एग्जम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर उसके हाथ में भी टैक्सेबल है, कंपनी भी सीडीटी काटेगी, और अगर एनआर है, एनआर के तो हर केस में एग्जम्प्ट है और कंपनी सीडीटी काटेगी, ये सारा ट्रीटमेंट इंडियन में है। सर अगर डिविडेंड मिल रहा फॉरेन कंपनी से, अब बताओ क्या होगा, अगर फॉरेन कंपनी से मिल रहा और स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी को मिला, सर ये स्पेसिफाइड कंपनी कौन होती है, ऐसी इंडियन कंपनी, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसी इंडियन कंपनी जिसके उस फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर है, ऐसी इंडियन कंपनी जिसके फॉरेन कंपनी में 26 और मोर वोटिंग पावर है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर उस कंपनी को फॉरेन कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वैसे तो कंपनी के हाथ में टैक्स रेट 30% लगता है, बट इसके हाथ में लगेगा 15% अगर वो हमारी स्पेसिफाइड है। सर अगर इसको छोड़कर और किसी को डिविडेंड मिला है तो उस केस में क्या होगा, फिर टैक्सेबल एज पर रिस्पेक्टिव रेट। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर वो इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेगा, पार्टनरशिप में 30% लगेगा, मतलब जो जो उनके रेट होंगे उस बेस पर लगेगा, कंपनी सीडीटी कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। तो मैंने लिखा हुआ है नो सीडीटी कॉन्सेप्ट, सीडीटी कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, फॉरेन कंपनी पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो बात समझ में आ रही है, तो सर अब ना हमें एक बात समझ में आ रही है कि फॉरेन कंपनी वाला डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, इंडियन कंपनी वाला शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, बट कुछ केस में इंडियन कंपनी वाला भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है। यस मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात समझ गए, मजा आ गया। तो फॉरेन कंपनी वाले में ये केस बनेंगे, इंडियन कंपनी वाले में ये केस बनेंगे, ये आपके ट्रीटमेंट डिविडेंड का है कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो क्या क्या आपने करना है। सर ये एग्जम्प्शन किस सेक्शन में मिलती है, याद करो सेक्शन 1034, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ 1034। सर सीडीटी किस में कटता है, 115O। सर ये 10 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल किस सेक्शन में होता है, 115BBDA, 115BBDA। सर जो ये आपने बोला फॉरेन कंपनी टू स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी 15% टैक्सेबल, ये कहाँ लिखा हुआ है, 115BBDA। ये चारों सेक्शन इस डायग्राम के अंदर मैंने कंबाइन कर दिया, आई थिंक आपको समझ में आता है, पक्का पक्का? यस सर। लो जी इधर देखो ध्यान से, अब मेरा अगला पॉइंट आ रहा है, सेक्शन 222E है, 222E एक बिल्कुल सिंपल सेक्शन है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, ध्यान देना सर क्लोजली हेल्ड कंपनी, दोबारा बोलो क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक बार और बोलो क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन दे रही है
यह एडवांस दे रही है उस शेयर होल्डर का इस कंपनी में 10% या उससे वोटिंग पावर है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि उसके हाथ में हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे, सारा नहीं मानेंगे, जितने उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वहां तक हम मानेंगे, और ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स वालों का स्पेसिडिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो दोबारा बोल रहा हूँ सर, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने क्यों लेकर आई, क्योंकि लोग प्लानिंग करते थे, उस प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी ने अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन दिया, प्राइवेट कंपनी ने अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस स्पेसिफाइड शेयर होल्डर के हाथ में वो लोन क्या बन जाएगा, डिविडेंड, बट सारे नहीं बनेगा, जितने उस कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वहां तक बनेगा, और ये टैक्सेबल शेयर होल्डर के हाथ में होगा, कंपनी इस पर कोई सीडीटी नहीं काटेगी, अब ध्यान रखना, ये हमारा सेक्शन 222E है, ठीक है। इसके कुछ और पॉइंट भी थे, बट मेनली जो पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो हमारा पॉइंट ये निकल कर आ रहा है, ठीक है जी, पक्का पक्का, यस सर। लो जी, उसके बाद फिर हमारा एक पॉइंट आ गया सिंपल सा, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन आपको मैंने आज ही कराया लक्ष्मी नगर के अंदर, याद करो, लक्ष्मी नगर वाले बच्चे अगर मेरी क्लास देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे, मैंने कहा था एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगी सैलरी में जाती है, फैमिली को मिलेगी अदर सोर्स में जाती है, देखो वही पॉइंट आ गया, फैमिली को पेंशन मिल रही है, जितना पैसा मिला वो लिख लो, उसमें से डिडक्शन मिलेगी कितनी, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितनी पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000, विच एवर इज लेस जो होगा वो यहाँ से माइनस कर दो, बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो सिंपल सी बात है, फैमिली पेंशन जो मिली वो लिख लो, फिर फैमिली पेंशन का 1/3 निकाल लो और 15,000 इनमें से जो भी कम वाला होगा वो डिडक्शन है और बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल है, वो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन याद करो, 45(5) कैपिटल गेन, लो जी भूल गए क्या, ओरिजिनल इनहेंस, इनहेंस बाय इंटरिम, इनहेंस बाय फाइनल, हाँ हाँ सर याद आ गया, याद आ गया। अब सोच के बोला 45(5) में क्या था, अगर कंपनसेशन मिला तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो 45(5) में था, बट अगर मान लो गवर्नमेंट ने डिले कर दिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अदर सोर्स में आएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, अदर सोर्स में आएगा, बट सारा टैक्सेबल नहीं होगा, 50% की हमें मिलेगी डिडक्शन इंटरेस्ट की और बैलेंस आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये पॉइंट हमारा ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा बस आज की क्लास का, कैजुअल इनकम आप सब जानते हो 30% टैक्सेबल है, प्लस में सरचार्ज भी लगेगा, अगर 1 करोड़ से ऊपर 50 लाख से ऊपर होगी, प्लस में सेस भी है, कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, कोई इस लेवल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर फिर क्या होगा, जितनी इनकम दी होगी पूरी इनकम 30% के दायरे में यहां पर आ जाएगी, ये हमारा कैजुअल इनकम है, ठीक है जी। तो अब जाकर हमारे कैपिटल गेन अदर सोर्स के जितने बैलेंस टॉपिक हैं वो सारे मैंने यहां पर करवा दिए हैं सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं, कुछ अगर छोटे मोटे बैलेंस बचे हैं एक बार आप खुद को खुद रिवाइज कर लेना, कोई डाउट आ रहा है मुझसे पूछ लेना। ये हमारी डिवीजन थी कैपिटल गेन अदर सोर्स तक। अब चेक करो 4 हेड, सर पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी आप कितने बच्चे रिवीजन क्लास देख रहे हैं क्योंकि व्यूज उतने नहीं आ रहे, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अपना दिल से हार्डवर्क कर रहा हूँ, जिन बच्चों को अच्छी रिवीजन क्लास नहीं लग रही मुझे नहीं पता क्यों नहीं अच्छी लग रही, बट दिल से मेरा हार्डवर्क है, अगर आप देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप एक दिन अप्रिशिएट करोगे, मैंने कहा ना कि आप याद करोगे मुझे कि हाँ भाई किसी ने काम किया था हमारे लिए, ठीक है। बट मैं यही बोलता हूँ कि आपको अगर अच्छी लगती है प्लीज शेयर किया करो, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा, उनकी ब्लेसिंग मिल जाएगी। सर ब्लेसिंग है, देखो बच्चा कहता है सर आपकी यूट्यूब पर जो मार्केट एडवर्टीजमेंट आती है उससे आपको अर्निंग होती है, मैंने पहले भी कहा था सर वैसे तो अभी तक आई नहीं है, बट अगर आएगी भी 90% पोर्शन मैंने उन लोगों को देना है कि जिनको उनकी नीड है, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, मुझे सिर्फ नीड इतनी है कि पूरी CS की फैमिली का हर बच्चा बस यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, एक फैमिली ऐसी बनाए कि जो CA वाले टीचर्स हैं उनकी फैमिली है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव एक CS की फैमिली हो कि नहीं हमारी भी फैमिली है, हमारा भी कोई भाई है, हमारे भी कोई बड़े भाई है जो यहाँ हमारे लिए लगे रहते हैं, बस मैं ये दिन चाहता हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर, देखो अगर आप मेरे लिए काम करोगे, अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना हार्डवर्क में लगा हुआ हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे 4 हेड सारे हो चुके हैं, स्टार्टिंग के सारे चैप्टर हो चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक रिवीजन क्लास देखनी स्टार्ट ही नहीं की नालायकों, ये सारी क्लासेस दिसंबर के लिए हैं, अगर मैं चाहता पुराने वाली शेयर कर देता, मेरा तबीयत सही रहती, मतलब मैं बोलता ना तो कम से कम आराम मिलता मुझे, बट मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम है वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, इट मीन्स चाहे वो पुरानी क्लास है मैं उसको शेयर नहीं करूंगा, मैं भी आपके साथ यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ हार्डवर्क जो कर रहा हूँ दोनों मिलकर हार्डवर्क करना है हमें, तो प्लीज़ यही बात बोल रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ चेक करनी स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग से लेके 12 क्लास आज हमारी हो चुकी हैं, नेक्स्ट क्लास अब हमारी GST की आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी सारी रिवीजन है, ठीक है। चलो अब सुना ध्यान से, अब मैं यहाँ पर एक मुझे बात और डिस्कस करनी है, 2 मिनट पूरी क्लास पूरी वीडियो देख लेना यहाँ तक। लो जी इधर देखो ध्यान से,
अब जो मुझे यहां पर एक बात डिस्कस करनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के बस दिल में यह चल रहा है कि सर अब हमारे सीएस की फैमिली के चैनल पर आगे आप कौन कौन सी वीडियो डालने वाले हो। तो मैं जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं, अपकमिंग वीडियोस का पूरा शेड्यूल बना रहा हूं, पूरा शेड्यूल बना रहा हूं कि कौन कौन से टाइम पर कौन कौन से डालूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले टाइम में कितनी वीडियोस यहां पर अपलोड करने वाला हूं आप सबके लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, जीएसटी की रिवीजन क्लास अपलोड करने जा रहा हूं विद अमेंडमेंट्स। जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं दिसंबर के लिए, जिन्होंने जून में एग्जाम दिए थे या नहीं दिए थे, दिसंबर के एग्जाम के लिए लेटेस्ट विद अमेंडमेंट सारी जीएसटी की कंप्लीट रिवीजन मैं सारी यहां पर अपलोड करने जा रहा हूं। रिवीजन से आपको हेल्पफुल तब मिलेगा अगर आपने पहले रेगुलर बैच अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, आपने बस जीएसटी पहले पढ़ा हो, और आप अप्रिशिएट करोगे सर जीएसटी, अगर आप मेरा ब्लड टेस्ट भी करवा लोगे ना अंदर से जीएसटी निकलने वाला है, इतना मैं कॉन्फिडेंस आपको दे सकता हूं। इससे ऊपर कॉन्फिडेंस दूंगा, बट हाँ इतना कॉन्फिडेंस, जिस दिन मेरा जीएसटी रिवीजन क्लास खत्म होगी ना, आपका मैसेज ना आया, अगर आपका करने का मन भी नहीं होगा तो भी आप मैसेज करोगे सर बिलीव मी जीएसटी में जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना, वो आज तक कभी हुआ ही नहीं था। तो पहली जीएसटी रिवीजन क्लास डालूंगा, दूसरा अमेंडमेंट क्लास ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, बिल्कुल आई हैं सर, जो कह रहे हैं नहीं आई हैं, बिल्कुल आई हैं इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स, कुछ सर्कुलर्स हैं, कुछ नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकम टैक्स में भी हैं, जीएसटी में भी हैं, उसकी अमेंडमेंट क्लास वो भी अपलोड करूंगा। सारी अमेंडमेंट क्लास एक एक अमेंडमेंट विद एग्जाम्पल करेंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं आने वाला कि अमेंडमेंट सर ये है क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर मैं काम करने में लगाऊंगा। तीसरा डालूंगा कस्टम रिवीजन क्लास, मेरे सीएस प्रोफेशनल के बच्चे जो मुझसे नाराज चल रहे हैं उनके लिए पूरी कस्टम की रिवीजन क्लास डालूंगा, अमेंडमेंट डालूंगा, तो वो भी तैयार हो जाए कस्टम की पूरी रिवीजन क्लास। सर आपके ब्लड से मैंने कस्टम ना निकाल दिया ना, फिर आप मुझे बोल देना कि सर कस्टम ये है चीज, मजा आ जाएगा कस्टम पढ़ने के बाद, सही बता रहा हूं मैं। तो जीएसटी रिवीजन क्लास, अमेंडमेंट क्लास, कस्टम क्लास ये डालूंगा, पीजीपी बैलेंस चैप्टर वो भी मुझे डालने हैं जीएसटी के बाद डालूंगा, प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जीएसटी के, इनकम से वो भी करूंगा, और मोटिवेशनल वीडियोस शेड्यूल आपको जब मेरी जरूरत पड़ेगी, बस भगवान अपनी ब्लेसिंग रखे, अपना मुझे सपोर्ट करता रहे, मैं आपके लिए यहां पर हाजिर हो जाऊंगा। तो ये सारी के सारे मेरी अपकमिंग वीडियो हैं सर, ये आपके लिए जिनके सीएस के दिसंबर में एग्जाम है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सर, ये आपको मैं कह रहा हूं कि सारी के सारी वीडियोस अब आने वाली हैं। तो प्लीज मैक्सिमम जितने भी आपकी फैमिली मेंबर दोस्त, जितने मैक्सिमम दोस्त हैं, हर बच्चे को कह दो कि भैया बस दिसंबर का एग्जाम अगर तूने छोड़ना भी है ना मत छोड़ियो, क्योंकि इस बार टैक्स का तो मैं निकलवा दूंगा, मुझे नहीं पता कि बाकी आपकी तैयारी बाकी आप कर लो, टैक्स एडवांस टैक्स पेपर आपका नहीं है पेपर मेरा है सर, पेपर ये आपका नहीं है पेपर मेरा है, ये मान के चल रहा हूं। देखो मैं इतना तभी हार्ड वर्क कर रहा हूं सर, इतना हार्ड वर्क तो मैंने अपने पेपरों में भी नहीं किया होगा, बट हार्ड वर्क मैंने पेपर में क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मैं एक था, मुझे अकेले पास होना था, बट मुझे अब अकेले पास नहीं होना, मेरे अपनी पूरी फैमिली को पास करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। तो अगर मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी रहेगी हम बहुत आगे जाएंगे, पूरी फैमिली से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस सर इतनी मतलब चीज़ को मैक्सिमम शेयर कर देना कि हाँ भाई सारी रिविजन क्लास अभी यहाँ पर आ रही है और कौन कौन सी वीडियो यहाँ पर आने वाली है, बस ये वीडियो आपको मैक्सिमम शेयर करनी है, रिक्वेस्ट मेरी इतनी है, ठीक है जी। वादा करोगे पक्का शेयर करोगे सर, आप टेंशन मत लो सर, हम आपके लिए लगे हुए हैं, आप भी हमारे लग रहे हो, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है जी। चलो तो ये सारी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो फटाफट से तैयार हो जाओ दिसंबर एग्जाम के लिए, और जो अभी तक तैयार नहीं हुए फटाफट से खड़े हो जाओ सर, दिसंबर एग्जाम आपने देना है और बस पास करना है, ये गारंटी लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। चलो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जीएसटी की, और ये सारी क्लास हमारी आने वाली हैं, मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपका ही चैनल है मेरा नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, और वो क्या बोलते हैं बेल आइकन, हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आनी है, नोटिफिकेशन आती रहेंगी, उसको चेक करते रहना और लगे रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं, रिजल्ट जरूर मिलेगा, चलते जाओ रुकना हमारा काम नहीं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय बाय।